सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है। इसे शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि अगर किसी जानवर को मारने के लिए इतने हथियार निकल सकते हैं तो सोचिए। साथ में वायरल मैसेज में लोगों से फोन छोड़कर घर में हथियार रखने की बात की जा रही है। फेसबुक और ट्विटर पर ये वीडियो इसी मैसेज के साथ शेयर किया गया है। गौ माता गौ सेवा ट्रस्ट ने 25 जुलाई 2021 को ये वीडियो ऐसे ही मैसेज के साथ पोस्ट किया था। पोस्ट में कहा गया है कि वीडियो चाहे कहीं का भी हो, लेकिन ये लोग शांति दूत है। जरा विचार करो, इस वीडियो को देखकर अगर हिंदू एक नहीं हुए तो ये समय दूर नहीं, भारत को जल्दी ही हिंदू राष्ट्र घोषित करो। गौर करें कि वीडियो में लोग हिंदी और उर्दू में बात कर रहे हैं। जल्दी कर, अरसलान के पास नहीं है, खुद आ रहा है, किसी और को लगा देगा ये तो। बड़ा उसको दोसा हुआ, लगी है इसको, एक गोली लग गई है। साथ में ये लोग अत्याधुनिक हथियार से फायर कर रहे हैं। ये बात ध्यान में रखकर ऑल्ट न्यूज ने कीवर्ड सर्च किया। हमें 22 जुलाई 2021 की गल्फ न्यूज की रिपोर्ट मिली। इसके मुताबिक ये घटना कराची यूनिवर्सिटी हाउसिंग सोसाइटी के पास हुई थी। ईद के मौके पर भैंस की कुर्बानी दी जानी थी, लेकिन ये भैंस बेकाबू हो गई। बाद में वहां मौजूद लोगों ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी थी। वीडियो पर संज्ञान लेते हुए कराची पुलिस ने पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया था। इसे डॉन और समा टीवी ने भी रिपोर्ट किया था। इसमें बताया गया है कि मामले से जुड़े 8 आरोपियों को 10,000 रुपए की जमानती बॉन्ड पर बेल मंजूर की गई थी। तो जैसा कि हमने इस फैक्ट चेक में पाया, ये वीडियो पाकिस्तान के कराची का है। इसे शेयर करते हुए भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं।